गाइस प्लीज सब्सक्राइब करें। इधर आओ, हाय करो, पूरा भारत देख रहा है आपको। इधर आओ, हाय करो, हाय। वहाँ पे आपको खाना है और यहाँ आपको नहाना है और यहाँ नहाने के बाद यहीं से घर निकल जाना है। फिर भाई क्या पी रहे हो ये? भाई लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं बाबा, बुलेट की सवारी। गाइस बहुत दुख की बात है, इतनी छोटी उम्र में घर वालों ने इसको घर से निकाल दिया। तुम्हारे साथ भी ऐसी हुआ? ऐसा नहीं हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि आप मुझे देख सकते हो, आज फ्रेम में मैं अपने शोरूम के बाहर खड़ा हूँ और आप मेरे फ्रेम के पीछे देख रहे होंगे, मेरा दोस्त दिखाई दे रहा होगा, सीढ़ी में बैठा है। यहाँ मेरा भाई अपनी गाड़ी में बैठ के गर्लफ्रेंड से लड़ाई कर रहा है। शर्म करो, भगवान से डरो। और ये मेरा भाई गर्लफ्रेंड से लड़ाई कर चुका है, शक्तिमान बन रहा है। और ये मेरा भाई नेपाल से भाग के आया है। पीस भाई, क्या हाल है बड़ी? गाइस भाई आ गया हमारा, बहुत टाइम बाद आया। बचपन में हमारे साथ ही रहता था, छोटा था, उसके बाद नेपाल भाग गया, तीन लड़की लेके फरार हो गया था वहाँ की। इस बहुत ही छोटी उम्र में मेरा भाई फरार हो गया था घर से, और वो आज जब लड़कियाँ ने उनको लात मारी तो वापस आ गए अपने घर। और गाइस प्लीज सब्सक्राइब करें, प्लीज सब सरक भाई का पेज, और शेयर भी करें और अपने फ्रेंड्स लोग को भी बोले कि शेयर करो और ऊपर आगे तक प्रोसेस कराए। बस यही चाहिए। Few minutes later. Guys, बहुत दुख की बात है, इतनी छोटी उम्र में घर वालों ने इसको घर से निकाल दिया, फिर यहाँ से चले गया, लड़की के केस में अंदर हो गया था, वहाँ नेपाल की पुलिस ने इसको अंदर बंद कर दिया। फिर भारत सरकार, हमने यहाँ के राज्य सरकार से बात करी और इसको फाइनली अब ये घर वापस आ चुका है। बड़ा अच्छा लगता है जब हमारा भाई, हमारा राज्य का, हमारे विधानसभा क्षेत्र का लड़का वापस आ जाए। भाई कैसा लग रहा है घर आके? मस्त लग रहा है। यहाँ आपको इंडियन खाना मिल रहा था, वहाँ पे तो आप नेपाली खाना खा रहे थे, वहाँ नेपाली चीजें कर रहे थे सब कुछ। अभी पहले ये इंडियन जैसा लगता था, अब थोड़ा नेपाली जैसा लग रहा है, क्योंकि वहाँ के कल्चर में ऐसा ढल गया है, पहनावा से लेकर एवरीथिंग। लेकिन कोई बात नहीं, मैं 3 दिन में इसको अपना जैसा बना दूंगा, एकदम प्योर देसी, दाढ़ी दूढ़ी वाला, एकदम अच्छा दिखने वाला, वैसे ये भी बच जाएगा। नहीं नहीं, अभी और सुनिए, देखो साथ में एक देसी लड़का और भी है मेरे साथ, आ जा भाई। ये देखिए एक देसी लड़का ये भी है, अच्छा लगता है ना, हम जैसे एक जैसी शक्ल के रखते तो अच्छा लगता है। हमसे कोई ज्यादा गोरा आ जाए या हमसे ज्यादा काला आ जाए तो हमको अच्छा नहीं लगता, ये समाज में बैठने लायक लोग नहीं। तो सबको अपना जैसा समझो और सबको एक जैसा बनाओ। कोई ज्यादा गोरा है तो धूप में रखो, पका दो उसको, काला कर दो। देखिए ये मेरा मैनेजर है, रंग देखो कितना बढ़िया है, सुशील एकदम बढ़िया, चिकना एकदम, ऐसे रंग चलते हैं हमारे यहाँ पे, और इससे ज्यादा सफेदी होगी तो बाहर भेज देंगे हम। कैसा लगा मेरा मजाक? ऑलराइट गाइस, मैं मजाक कर रहा था, ये भाई मेरा देहरादून चले गया था स्टडीज के लिए और फिर वहीं पे रहने लग गया था, और आजकल घर आया है तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि पुराने दोस्त जब वापस मिलते हैं तो मजा आता है। आज का दिन भाई के साथ रहूँगा, उसको लेके जाऊँगा 2-3 जगह, और फिर शाम को हम एक जगह जाएंगे चिल मारने अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हम लोग मोस्टली शाम को वहीं जाते हैं, आज डिनर वहीं करेंगे। और अभी आप कर क्या रहा तू? गाइस एक दोस्त के वहाँ आया था, और यहाँ इसलिए आया था क्योंकि मेरे को कुछ सामान लेना था उससे ऑनलाइन एडिटिंग का, और वो यहाँ है नहीं तो पोपट हो गया, मैं वापस चले जाता हूँ। ये है रॉयस डिजिटल स्टूडियो, ये काफ़ी कुछ करता है काम ऑनलाइन वगैरह और एडिटिंग वगैरह में काफ़ी अच्छा काम करता है, लेकिन ये अभी है नहीं यहाँ पे, तो मेरा तो पोपट हो गया, मैं वापस जा रहा हूँ, वापस ये खुद आएगा मेरे पास। और हम आ गए हैं मार्केट में, मार्केट के अंदर, ये हमारी कपड़ा गली है और यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है, ये हमारे लाला जी हैं। उधर भाई आए कर दो, पूरा भारत देख रहा है। दादी को भी दिखाएंगे सब जगह, हमारे दादी दिखाना, बॉब मारले वाला लुक है इनका, अपनी जटाई दिखा दो एक बार, लुक दिखा दो पूरा। मैं दादा हाय कर दो, पूरा भारत आपको देख रहा है। हाय गजब, मैं तो आ गया हूं। ये भाई आ गया दोबारा, ये तो हमारा स्वैगी बॉय है, शक्ति फार्म की मार्केट है ये, जो इस गली में आया है वो कभी भूला नहीं है, यहाँ से शॉपिंग हर कोई करता है। A few moments later. आओ तुम्हें हम अपने गांव का नजारा दिखाएंगे। और उसके बाद हम लोग चल दिए सारे भाई लोग जहाँ हम जाते हैं शाम को मोस्टली,
और मैं बुलेट स्टार्ट कर रहा था, मुझसे स्टार्ट हो नहीं रही थी क्योंकि चाबी मैंने ऑफ कर रखी थी। फिर मैंने एक एक मारी और गाड़ी स्टार्ट हो गई। फिर हम चल दिए बुलेट पे अपनी जगह पे जहाँ हम जाते हैं मोस्टली। ऑलराइट गाइस, अब हम पहुँच गए हैं गूंज में, और पहले तो इसका नाम कुछ अलग था, महफिल था, अब ये चेंज हो गया, गूंज में बदल गया है। और हम मोस्टली यहीं पे आते हैं, जनरली क्या है यहाँ की जो वाइब है बहुत अलग है। अगर अभी आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा यहाँ का, यहाँ पे मज़ा आता है। हम लोग जितने भी भाई लोग हैं, दोस्त लोग हैं, रोहित, मैं, मुन्ना, हम सब जितने भी, हम सब लोग यहीं पर आते हैं चिल मारने। ये देखो कुछ इस तरीके का यहाँ का नज़ारा है। ये बाहर का एरिया मैं आपको दिखाता हूँ पूरा प्रॉपर। नाइट में इसका अलग ही व्यू है, ये देखो। और रोहित लोग आगे चले गए, मैं वहीं जा रहा हूँ क्योंकि हम लोग जनरली जब भी आते हैं पीछे वाले साइड पर बैठते हैं। ये देखो एकदम शहर से हटके एकदम शांत इलाके में। ये देखो ये भाई लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं। बाबा आया कर दो भैया। रोहित भाई इसी के साइड पे आपको स्विमिंग पूल दिखाता हूँ, यहाँ पे पूल एरिया है और इसका व्यू अलग है। हमारे दादा, दादा क्या हाल है रही है, ये हमारे दादा है यहाँ के। दादा हाय कर दो, ब्लॉग में ले रहा, हाँ हाय कर दो, पूरा भारत देख रहा है वो। ये देखिए हमारे यहाँ का पूल एरिया गूंज में, आप यहाँ पे गर्मियों में पूरा आनंद ले सकते हैं, पूल का मजा ले सकते हैं। वो देखिए दो पूल है, एक वो मिनी पूल है, ये बड़ा पूल है, और यहाँ पूल में आप मजे लो। ये वैसे यहाँ से एंट्रेंस भी है कैफ़े एरिया का, वहाँ पर आपको खाना है और यहाँ आपको नहाना है, और यहाँ नहाने के बाद यहीं से घर निकल जाना है। ऑल राइट, व्हाट आई लव मोस्ट अबाउट दिस प्लेस, जो यहाँ का एनवायरनमेंट है बहुत ही शांत, शहर से हटके एक अलग ही फील आता है यहाँ पे। यहाँ की वाइब ऐसी, अगर आप यहाँ आओगे तो आपको इंदर फील जो होता है ना, एकांत शांत मिलेगा यहाँ पे आपको, और बहुत ही पॉजिटिविटी मिलती है। यहाँ आओ, थोड़ी देर बैठो दोस्तों के साथ, चिल मारो, ऑर्डर करो जो ऑर्डर करना है, और फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इंजॉय करो ये मोमेंट को। व्हाट अ क्वालिटी टाइम बोले तो एकदम। भाई क्या पी रहे हो ये? अरे ऐसा हम बेइज्जती मत करो यार, ये मोजिटो है यार, मोजिटो है। गाइस ये भाई ने ऑर्डर किया है, भाई का फेवरेट ड्रिंक है, और ये क्या बोलते हैं मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं तो भैया हम तो कभी कभी पीते हैं। मोजिटो है, मोजिटो है, ये कुछ ड्रिंक है क्या है, मेरे को तो इसका टेस्ट ही समझ में नहीं आ रहा, लेकिन लगा अच्छा रहा है क्योंकि भाई ने पिलाया, जो फ्री में मिल जाए वो अच्छा ही लगता है। अंदर का व्यू दिखाता हूँ भाई लोगों को। आप यहाँ की जिम भी कर सकते हो, कार्डियो मशीन, और ये बाहर का नजारा, ये देखो ये यहाँ से एंट्रेंस है अंदर का, ये देखिए यहाँ पे कुछ, यहाँ पे बैठ सकते हो प्रॉपर, और ये हमारे अंदर का इंटीरियर। हेलो भैया, ये हमारा अंदर का इंटीरियर। ये देखो ये इसका नाम हो गया गूंज। मेन कोर्स आने से पहले हमने सोचा कुछ स्टार्टिंग में मंगा ले, तो भाई ने ड्रिंक मंगाई है, और ये ड्रिंक पता नहीं मेरे को, मेरे हिसाब से नींबू पानी है, भाई पता नहीं इंग्लिश में क्या बोल रहा था, समझ में नहीं आया। और ऑलराइट गाइस, आई होप आपको ये लोकेशन बहुत अच्छी लग रही होगी, और क्योंकि ये जगह ही ऐसी है हमारे यहाँ पे, हमको कभी भी लगता है कि यार कहीं जाना है अच्छी जगह, तो हमारे हिसाब से ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आना पसंद करेंगे सभी लोग। गाइस और चेकआउट करिए, और भाई को तो पसंद आया, भाई बहुत टाइम बाद आ रहा है तो उसको नया कुछ दिखा तो मज़ा आया, और हम लोग आते रहते हैं जनरली। आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।